फ्रेंड्स, माय नेम इज सोनी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर चैनल आईटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की हम जो गवर्नमेंट स्कीम डिस्कस करेंगे वो है वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना। यह है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की एक स्कीम है। यह एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, यानी कि इस स्कीम के तहत कम ब्याज पर लोन दिया जाएगा। यह स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है फॉर मोस्ट डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस हाउसहोल्ड एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। इस स्कीम के तहत जो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज ओबीसी एससी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स हैं, उनको फाइनेंशियल एम्पावर किया जाएगा। इस स्कीम का उद्देश्य है इन डिप्राइव्ड हाउसहोल्ड को लोन प्रोवाइड कराना कम ब्याज पे फॉर प्रोडक्टिव एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। शेड्यूल कास्ट से संबंधित जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको 4 लाख तक का लोन दिया जाएगा और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल कास्ट इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें 2 लाख तक का लोन दिया जाएगा, जिनमें उन्हें 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ मिलेगा और ये उनको डायरेक्टली जो बोरोइंग बेनिफिशियरी है उनके अकाउंट में दिया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गाइडेंस। नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने MOA साइन किया है विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस। इस स्कीम का मेन मकसद है अंडर प्रिविलेज फैमिलीज को मोर क्रेडिट प्रोवाइड कराना टू इंक्रीज प्रोडक्टिव एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इस स्कीम के तहत बैंकों को भी इन डिसएडवांटेज सेक्शन को लोन देने के लिए एनकरेज करना। इस स्कीम के तहत सरकार इन अंडरप्रिविलेज सेक्शन पर जो ब्याज का बोझ है उसको कम करना चाहती है। इस योजना के तहत 100% ओबीसी मेंबर्स एंड ओबीसी इंडिविजुअल एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप को इंटरेस्ट सबवेंशन प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ MOA साइन किए हुए लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से इनकम जनरेट एक्टिविटीज के लिए लोन लिया हो। इस स्कीम के तहत टोटल 3,28,500 बेनिफिशियरी की पहचान की है, जिसमें 1.98 लाख एससी हैं और 1.2 लाख ओबीसी हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि इस स्कीम के तहत कौन कौन एलिजिबल होंगे। मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड किए गए हैं। एप्लीकेंट की जो एनुअल फैमिली इनकम है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे वो मस्ट बी रजिस्टर्ड विद नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन और नाबार्ड के साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए विद मोर देन 2 ईयर ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। इस इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए एलिजिबल होंगे जिन्होंने अपनी सारी पेमेंट टाइमली की हो। इस स्कीम के तहत सभी ओबीसी अंत्योदय अन्न योजना कार्ड होल्डर एंड ओबीसी इंडिविजुअल भी एलिजिबल होंगे फॉर दिस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। वे सभी ओबीसी बेनिफिशियरी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और जिन्हें प्रधानमंत्री किसान के तहत कवर किया गया है, वो सब भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का डिस्कशन। आई होप आपको पसंद आया होगा और इसी तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।